नमस्कार साथियों, आप सभी द फ्यूचर एजुकेशन पर चाणक्य नीति की अनमोल बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं विकास आज आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर लेकर चलूँगा जिसमें चाणक्य ने बहुत ही छोटी सी बात कही है और मानो तो बहुत ही गूढ़ रहस्य इस बात में छिपा है। तो चाणक्य ने जो अपनी नीतियाँ हमें उपलब्ध करवाई है वो संस्कृत भाषा में उपलब्ध करवाई है, तो मैं पहले श्लोक पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम्, स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम्। अर्थात जिससे स्नेह होता है उसी का डर भी लगा रहता है, स्नेह ही दुख का आधार है, स्नेह ही दुख का मूल। स्नेह को त्याग कर ही व्यक्ति सुख से रह सकता है। चाणक्य का इसमें कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि भय एक कारण है दुख का, तकलीफ़ का, और भय में आसक्ति छुपी होती है। भय वहीं रहता है जहाँ हमारी किसी से आसक्ति हो, किसी में हमारा स्नेह हो। तो जहाँ आसक्ति होगी वहीं पर दुख होगा। अगर आप स्नेह यानी कि आसक्ति को अगर थोड़ा कम करते हैं तो आप दुख से बच सकते हैं। अब यहाँ पर चाणक्य ने इस बात को और स्पष्ट रूप से समझाया है कि यह अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि आप सभी संबंध छोड़ दें, जड़ की तरह एक जगह स्थिर हो जाएं और सभी संबंधों को त्याग दें। अनासक्ति का अर्थ है सभी स्वार्थों को छोड़कर धर्म और परहित के लिए कार्य किया जाए। यह आदर्श है जो निश्चय ही बहुत दूर जान पड़ता है। ऐसी अनासक्ति पाना एक दिन का कार्य नहीं है, लेकिन आज आप प्रारंभ करते हैं तो एक दिन आप अवश्य इस अनासक्ति को पा सकते हैं।